हम भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर नहीं चुनाव लड़ते, हम चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछली बार आप लोगों ने किस पे वोट दिया था। जोर से बोलिए। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल जोरों पर है, सियासी बयानबाजी भी अपने चरम पर है। इस बीच यूपी के बड़बोले नेता और सुभाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी चुनावी प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए, लेकिन ओपी राजभर हर दिन अपने एक बयान को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इस बीच राजभर ने बीच चुनाव एक ऐसा बयान दे डाला है जिसने भाजपा की नींद उड़ा दी। जी हाँ, ओपी राजभर ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कमल नहीं छड़ी के निशान से लड़ रहे हैं चुनाव, छड़ी निशान याद रखना। हम भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर नहीं चुनाव लड़ते, हम चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछली बार आप लोगों ने किस पे वोट दिया था। जोर से बोलिए। आवाज नहीं आ रही। वह तो निशान है, दूसरा कुछ नहीं है, छड़ी निशान है। पिछली बार लोगों ने छड़ी को ही जिताया था। बोलिए भाई, सही है ना? जी सही है। पिछली बार भी लोगों ने छड़ी को जिताया था, जरा पूछा जाए कि भूल गए हैं कि याद है। तो इस बार लोगों को, जब हम लोगों ने चाय पीने आया तो चर्चा हुई तो लोगों ने कहा नहीं नहीं छड़ी याद है। तो छड़ी पर हम लोग इसी बहाने चाय पर ये बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक विभाग हमारे पास है, कितना बेहतर हमसे उम्मीद जो आप कर रहे हैं, आप हमको सुझाव दीजिए, हम आपके लिए हैं, कहीं भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि विभाग से जितना भी आप उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा ओम प्रकाश राजभर लड़कर के दिल्ली या लखनऊ से आपको हक दिलाने का काम करेंगे। ओपी राजभर का ये बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। जहाँ दो चरणों में हुए मतदान में भाजपा की हालत नाजुक दिखाई दे रही है, वहीं इस बीच ओपी राजभर ने अपने बयान के जरिए ऐसा लगता है तेवर दिखाने शुरू कर दिए। वहीं इससे पहले भी ओपी राजभर का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने मंत्री पद की ध्वज जमाते हुए नजर आ रहे। 29 सेकंड के वीडियो में राजभर लोगों को संबोधित करते हुए ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप लोग जान लो कि ओपी राजभर पंचायती राज मंत्री है, अकलमंद के लिए इशारा काफी है और नहीं कहूंगा, और दूसरा विभाग अल्पसंख्यक विभाग और वक्फ बोर्ड और हज विभाग है जो बहुत तगड़ा है। तो आप जान लो कि ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री है, अकलमंद इशारा काफी है और नहीं कहूंगा, और दूसरा विभाग अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ बोर्ड और हज विभाग है ना, वो बहुत तगड़ा है। 20% दरअसल उनकी ये वीडियो घोसी में बेटे अरविंद राजभर के चुनाव प्रचार के दौरान के बताए जा रहे हैं। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने भी उनके इस बयान को संज्ञान में लिया है और कार्रवाई भी की जा सकती है, लेकिन ओपी राजभर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो इन चुनाव में भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। वैसे आपका ओपी राजभर के इस बयान को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Thank you.